खबर आ रही राजस्थान के जयपुर से। आपको बता दें कि राजस्थान के वोटिंग के बीच गहलोत के मंत्री पर हुआ बड़ा हमला। धौलपुर में भी फायरिंग से हड़कंप मच गई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज प्रदेश में 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच कई बूथों पर ईवीएम के खराब होने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर जानलेवा हमला होने की खबर। मांडल में आरोपी बुजुर्ग हाथ में पत्थर लिए पकड़ा गया। इसके साथ ही रामलाल जाट ने कहा कि विपक्ष द्वारा कराए गए यह हमले न तो हौसलों को तोड़ पाएंगे और न ही मैं डर कर रुकने वाला हूँ, क्योंकि मांडल की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। आपको बता दें कि यहाँ वहाँ फायरिंग और छुटपुट घटनाओं के साथ धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बसई डांग थाना क्षेत्र में फायरिंग की भी खबर आ रही है। जी हाँ, जयपुर से अब एक फायरिंग की भी खबर आ रही है, जहां फायरिंग विधानसभा चुनाव को लेकर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिशें दी जा रही है।